Very good morning, class 7th. Yesterday, we all have solved the first question of exercise 2.7 of NCERT, in which we have discussed how to divide a decimal number by a whole number. आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि एक डेसिमल नंबर को अगर 10, 100 और 1000 से डिवाइड करना हो सो हाउ विल परफॉर्म. अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर बाई 10, 100 एंड 1000. कभी किसी डेसिमल नंबर को अगर 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं विदाउट डूइंग एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन. बिना एक्चुअल मल्टीप्लीकेशन किए हम जल्दी से अपने आंसर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था. आज हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर को 10, 100, 1000 से विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए कैसे फाइंड कर सकते हैं आंसर. तो यहां पे आप सामने एक क्वेश्चन दिया मैंने 4.8 डिवाइडेड बाय 10. तो बड़ा सिंपल सा है, जैसे हम लोग सिंपल डिवीजन में करते हैं डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे. इट विल बी 48 अपॉन 10. 4.8 विल बी 48 बाय 10 बिकॉज वन डेसिमल वी हैव रिमूव्ड हियर. तो एक डेसिमल से मल्टीप्लाई किया एक 10 से और एक 10 से डिवाइड तो 48 बाय 10. और फिर इस डिवीजन को चेंज करके कर देंगे मल्टीप्लाई और लिखेंगे 1 बाई 10 रेसिप्रोकल ऑफ द नेक्स्ट नंबर. ये तो समझ में आ रहा है ना सबको कैसे किया. अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर लेना तुरंत. तो 48 बाई 10 इंटू 1 बाई 10 दिस विल बी प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 48 अपॉन 10 इंटू 10 विल बी 100. नाउ यू रिमेंबर कि व्हेन इन द डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 और वट एवर इज देयर व्हेन यू रिड्यूस इट द डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन बाय द नंबर ऑफ जीरोज इज गिवन इन द डिनोमिनेटर. अब यहां पे 2 जीरो दिया हुआ है तो डेसिमल 48 में अब डेसिमल कहीं दिख तो रहा नहीं है. सो इट इज हिडन आफ्टर 8 इट्स गिवन. तो व्हेन वी कट दिस 2 जीरोस तो दिस डेसिमल विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट डायरेक्शन बाय 2 प्लेस बिकॉज 2 जीरोस गिवन हियर. तो 2 प्लेस मींस फर्स्ट प्लेस इज 8 सेकंड प्लेस इज 4 मींस बिफोर 4 इट विल कम 0.48 is the answer. Simply, if we'll divide by 100, if any of the number, suppose 2.7 divided by 100. So same thing we'll do here again. This will be first we'll take 27. And write this as a fraction. So it will be 27 by 10. And change this sign in multiplication. And just after, immediately, we have to write the reciprocal of the next number, that is 1 upon 100. Product of numerator 21 into 27 into 1, 27 upon 10 into 100. Thousand. Now here in the denominator we have 3 zeros, so the decimal will shift by 3 place. This time the decimal is given after 7. Up if we have to shift it left side by 3 place, so one at 1 place 7, second place is 2, there is no 3rd place. So we'll write 0 for that. So now
3 place 1, 2, 3. Before 0 it will come. 0.027 is the answer. इससे एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग. सेकेंड पॉइंट फॉर दैट कि 0.3 डिवाइडेड बाय 100. तो अब ऐसे केस में दिस 0.3 विल बी 3/10 एंड दिस डिवाइड विल बी मल्टीप्लाई इन 1/100. 3 1s are 3 अपॉन दिस विल बी 1000. 10 into 100 1000. अब अगर हम इससे डेसिमल कट करेंगे जीरो को, इन जीरो कट करेंगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट करेगा 3 प्लेस तक. 3 0 है तो 3 प्लेस शिफ्ट करेगा, बट यहां सिर्फ एक ही प्लेस 3 दिया हुआ है. तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरो इसके पहले ऐड करना पड़ेगा, बाद में मत ऐड करना. बाद में ऐड करेंगे तो अगर हमने किसी नंबर में सपोज ये 3 है, इधर 0 ऐड किया तो 30 हो जाएगा, इधर ऐड किया तो 300, ये तो 3000 वैल्यू इंक्रीज करती चली जा रही है. लेकिन अगर इसे पहले ऐड कर दें तो दिस इज स्टिल 3 ओनली, अभी भी ये 3 ही है, अभी भी इस पूरे की वैल्यू 3 ही होगी, 3 से ज्यादा नहीं हुआ. तो इसकी वैल्यू अनचेंज्ड रहे इसलिए हम इसके पहले 0 0 लगा लेंगे. अब 3 प्लेस चाहिए तो 1 प्लेस तो ये हो गया, 2 प्लेस और मूव करना है तो 2 0 यहां लगाया. अब 3 प्लेस के लिए इस 0 से पहले डेसिमल आ जाएगा. 0003003 आंसर. सेम ऐसे ही अगर हमें 1000 से डिवाइड करना हो किसी नंबर को, 7.9 डिवाइडेड बाय 1000 ये हो जाएगा 79/10 और इसे डिवाइड हो करेंगे इनटू रेसिप्रोकल ऑफ 1000 इज 1/1000 इज इक्वल टू 79/10 × 1000 10,000. फिर वही बात आके फंस गई कि नीचे जीरोस दिए हैं 4 और न्यूमरेटर में डिजिट्स हैं 2. तो अगर इन चारों डिजिट जीरो कैंसिल करेंगे तो ऊपर हमें न्यूमरेटर में 4 प्लेस तक डेसिमल शिफ्ट करेगा लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में 4 प्लेस शिफ्ट करेगा जो कि अभी यहां पे है. तो 4 प्लेस शिफ्ट करने के लिए यहां पे हम इसके आगे 0 0 ऐड कर लेंगे. अब तो 4 प्लेस हो गया ना. अब जैसे 4 0 कट करेंगे तो ये डेसिमल शिफ्ट करेगा यहां, ये हो जाएगा 0.0079 0079. आंसर. ये तो हो गया हमारे डिवीजन. अभी तक तो ये था कि भाई डेसिमल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना और डेसिमल्स को 10, 100, 1000 से डिवाइड करना. अब कल हम लोग सीखेंगे कि किसी होल नंबर को या डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं. हाउ टू डिवाइड अ नंबर बाय अ डेसिमल नंबर. वी ऑल विल डिस्कस दिस टॉपिक टुमारो.